सूर्य की उपासना के महापर्व छठ पूजा संपन्न। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उमड़े लोग। दिल्ली एनसीआर के घाटों पर भी व्रतियों ने परिवार के साथ पहुंचकर किया अर्चन। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव का आज होगा ऐलान। 20 से 28 नवंबर के दरमियान 3 चरणों में मतदान और 1 दिसंबर को हो सकती है मतगणना। हरियाणा की बीजेपी सरकार के 3 साल का लेखा जोखा आज होगा आपके सामने। कामकाज में सरकार फेल हुई या पास, टोटल न्यूज पर सबसे बड़ा सर्वे देखिए शाम 7 बजे से लगातार। गुजरात में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प। झड़प के दौरान पुलिस की फायरिंग में एक व्यक्ति की हुई मौत। दादोह जिले के जेसवाड़ा गांव की घटना। फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्स फ्लोरेंस पार्ली 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई। फ्लोरेंस पार्ली फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्स ने अमर जवान ज्योति पर भारतीय शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 2 दिन का केरल दौरा। तिरुवनंतपुरम में 27 अक्टूबर को टेक्नोकेशन प्रोजेक्ट करेंगे लॉन्च। कल केरल हाईकोर्ट के हीरक जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा। नेशनल हाईवे पर चलने वालों को जल्द मिल सकती है बड़ी राहत। हाईवे पर जितनी दूरी का इस्तेमाल उतना ही देना होगा टोल। सरकार जल्द ला रही है नई नीति। गुरुग्राम में स्कूल में बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही के चलते 135 निजी स्कूलों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। बच्चों की सुरक्षा संबंधी सेल्फ सर्टिफिकेशन जिला शिक्षा अधिकारी को जमा नहीं करवाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिला प्रशासन। इंडोनेशिया पटाखा फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा। धमाके में करीब 47 लोगों की हुई मौत। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। राहत और बचाव का काम चल रहा है। पहली बार जुड़वा बच्चों के दिमाग को सर्जरी से किया गया अलग। 18 घंटे की मैराथन सर्जरी के बाद मिली सफलता। ओडिशा के सिर से जुड़े 28 महीने के जुड़वा बच्चे 13 जुलाई से एम्स में थे भर्ती। पत्रकार विनोद वर्मा गिरफ्तार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उनके पास एक सीडी है जिसमें छत्तीसगढ़ के एक बीजेपी मंत्री की काली करतूतें हैं और अभी उन्हें गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि सीडी का स्रोत बताएं। ग्रेटर नोएडा के स्कूल पर नाइजीरिया के नागरिकों का प्रदर्शन। नाइजीरियन बच्चे के यौन शोषण मामले में किया विरोध प्रदर्शन। 2 दिन पहले स्कूल के एक कर्मचारी ने नाइजीरियन बच्चे के साथ किया था कुकर्म। विरोध कर रहे नाइजीरियन नागरिकों ने लगाया स्कूल पर लापरवाही का आरोप। नाइजीरियन मामले में कर रहे हैं सख्त एक्शन लेने की मांग और प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें न्याय मिले। प्रिंसिपल से मिलने के मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। नेशनल हाईवे 8 के किनारे बोरे में बंद एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे महिला का शव गुरुग्राम के राजीव चौक के पास मिला है। शव बोरे में बंद है और सड़ी गली हालत में मिला है। शव पर जले हुए के भी निशान मिले हैं। साथ ही गुरुग्राम पुलिस को राह चलते लोगों ने फोन करके जानकारी दी। मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया है। पुलिस को अंदेशा है कि महिला को लगा कि दबाकर उसको मारा गया होगा और अभी तक महिला के शव की पहचान नहीं हो पाई। अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। पलवल जिला अस्पताल में मलेरिया विभाग का कार्यालय ही बीमार पड़ा हुआ है। कार्यालय की हालत इतनी जर्जर है कि भवन कभी भी गिर सकता है और कोई भी घटना घटित हो सकती है। अस्पताल की खस्ता हालत के चलते जहां कभी भी हादसा हो सकता है वहीं पलवल जिला अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर आदित्य स्वरूप गुप्ता ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। माला की सेंट्रल जेल में कैद हनीप्रीत को वीआईपी सुविधा मिल रही है। हनीप्रीत का परिवार भी कार लेकर सेंट्रल जेल के मुख्य द्वार तक होता है। जेल के बाहर बेल पर बाहर आने वाले कैदियों के परिजनों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि हनीप्रीत की वजह से वहां कई घंटों से अपनों का इंतजार कर रहे हैं लेकिन जेल प्रशासन हनीप्रीत के परिजनों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने में व्यस्त। हरियाणा सरकार जमीन के घोटालों की जांच के लिए ढींगरा आयोग का गठन किस आधार पर, तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर किया है इसकी जानकारी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगी। मुख्य न्यायाधीश एस जे
वजीफदार और न्यायाधीश एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने वीरवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ढींगरा आयोग के गठन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर लगभग दो घंटे तक चली बहस के बाद हरियाणा सरकार को ये आदेश दिए। हिसार में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आगाज हो गया है। शुक्रवार को डीएसपी जयपाल सिंह के नेतृत्व में बरलाला में ये उद्घाटन हुआ है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों और युवाओं ने भी मैराथन में हिस्सा लिया। मैराथन सुबह बरवाला से शुरू हुई और 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गांव खेदड़ बस स्टैंड पर संपन्न हुई। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। रोड पर भारी संख्या में लोग दौड़ते हुए दिखाई दिए।